आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी दर्शक जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि पूरी महामारी के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी या विपक्षी दलों के सभी नेता सम्मिलित रूप से जब भी कोई सुझाव देते थे चिट्ठियां लिखकर, तो मोदी सरकार ना सिर्फ उनकी अनदेखी करती थी बल्कि उसका मजाक उड़ाया करती थी। खास करके आपको याद होगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी ने तिरस्कार की भावना रखी और मजाक उड़ाया। परंतु कल जब वही सवाल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया तो सरकार बगले झांकते नजर आई। हमारे साथ है वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील, और वो बताएंगे कि क्या है मायने उन तीखी टिप्पणियों के, और ये भी क्या के ये कि यह क्या ये वही सवाल तो नहीं जो कांग्रेस नेतृत्व अपने पत्रों के माध्यम से सरकार से पूछा करते। ओवर टू यू सर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने साबित कर दिया है कि कोरोना पर सरकार की नीतियां बेतुकी हैं, बेमेल हैं और बेकार हैं। ये करीब करीब अनुवाद भी है उच्चतम न्यायालय के शब्दों का, जो आखिरी तीन शब्द हैं हिंदी में, इरेशनल, आर्बिट्ररी एक्सेट्रा। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि कोरोना पर सरकार की नीतियां असंगत हैं, असंबंधित हैं और अनुपयोगी हैं, और उसका दूसरी तकनीकी कानूनी तौर तरीके से पुष्टिकरण अभी आपने देखा है, जो ऑर्डर आज छपा कल निकला। अब अगर सारांश में कहें हम संक्षिप्त में, इस बार मैं आज हमेशा की तरह अलग हिंदी और इंग्लिश में नहीं लूंगा, मिक्स करके लूंगा क्योंकि कोटेशंस हैं चिट्ठियों से कई, वो अंग्रेजी में भी हैं, तो मैं इसलिए एक ही प्रेस ब्रीफिंग में दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करूंगा आपकी अनुमति से। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ये जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है कल, वो तीन चार मुद्दों पे है फोकस्ड। एक है वैक्सीन शॉर्टेज, कमी, उपलब्धि नहीं। दूसरा है वैक्सीन प्राइस न्यूट्रलिटी, वैक्सीन की कीमत पर दुभात या अलग अलग कीमतें कैसे। तीसरा है वैक्सीन यूनिफॉर्मिटी, किसी भी देश में और खास तौर से हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में एक साथ खरीदारी और वितरण क्या ज्यादा माकूल नहीं है, वैक्सीन यूनिफॉर्मिटी। चौथा है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का कितना विसंगत हो गया है तरीका। और आखिरी और सबसे अहम, शायद मैं आखिरी बोल रहा हूं लेकिन बहुत अहम है, 100% वैक्सीनेशन कब और कैसे। 100% वैक्सीनेशन एक जुमला नहीं, एक नारा नहीं, लेकिन कब और कैसे। तो ये जो पांच मुद्दे हैं, इनमें बहुत समझ के, और यद्यपि मैं भी इसमें पेश हुआ हूं राजस्थान सरकार की तरफ से और सरकारों की, मैं किसी भी तौर से वकील की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का ये पूरी प्रक्रिया मूल रूप से कार्यपालिका केंद्र सरकार की और उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त दो अमाइकस क्यूरे, यानी जो न्यायपालिका या न्यायालय के मित्र हों जो उनको समझाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए होते हैं, उनके बीच में था ये संवाद। आप जानते हैं मुद्दे, मैं दोहराऊंगा नहीं। उच्चतम न्यायालय के उन्होंने कई माकूल पहने, बहुत विश्लेषण से ओतप्रोत प्रश्न पूछे हैं, उदाहरण के तौर पे कि पूरी हिस्ट्री दे सरकार अपने खरीदारी की, किसनी कितनी कीमत पे, कब, कितना मात्रा में कौन सी वैक्सीन खरीदी। दूसरा पहलू है कि सब तारीखें जब ये प्रोक्योरमेंट किया गया और किस प्रकार से उस वक्त आगे के लिए प्रोजेक्ट किया गया वितरण। सबसे महत्वपूर्ण ये सीधा प्रश्न पूछा है कि आप बार बार कहते हो 31 दिसंबर 2021,
इसका तौर तरीका, इसका रोड मैप, इसका वास्तविकता आप लिखित रूप से हलफनामे में दो हफ्ते में दीजिए। और अन्य मुद्दे भी हैं, मैं सब मुद्दे आपको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि ये काफी प्रकाशित हो चुका है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा ये कह के कि हम नहीं चाहते ये कहना बार बार कि हमने आपको कहा था, हमने कहा था, हमने आपको चेतावनी दी थी, हमने आपको एक झंडा दिखाया था। हम आकाशवाणी और दूरदर्शिता के लिए अपने आप को काबिल नहीं करार रहे हैं, लेकिन अगर आपने सुनी होती हमारी आवाज, अगर आपने ये जिद्दीपना, ये कठोरता सिर्फ इसलिए नकारना कि हम विपक्ष हैं और आप सत्ता पक्ष हैं, अगर ये दृष्टिकोण नहीं रखा होता तो आज हमको भूल जाइए, देश इतना खामियाजा नहीं उठाता। ये हमको इसका दुख है। अगर आपने थोड़ा कम अहंकार दिखाया होता, अगर आपने थोड़ा कम जिद दिखाई होती, अगर आपने कुछ ज्यादा अनुपात में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई होती तो फायदा हमको नहीं होता, हम ना चाहते हैं फायदा देश को होता, और उसके लिए हम बहुत दुखी हैं कि ऐसा नहीं हुआ। जिक्र हुआ कि क्या कहा गया था पहले, और ये कहा गया था एक बहुत सकारात्मक भावना से, बड़े स्पष्ट रूप से, जुमलेबाजी से नहीं, लिखित रूप से, चिट्ठी बर तिस्सी बर दर चिट्ठी पे हर हफ्ते वरिष्ठ नेताओं की एक पूरी तांता लगवाया था हमने कि भाई हमारी आप नहीं सुनिए, उस पर जो लिखा है उसकी सुनिए। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 7 मई, अभी मैं पीछे जा रहा हूँ, मतलब आगे से पीछे जा रहा हूँ, राहुल गांधी ने लिखा, बी ट्रांसपेरेंट एंड कीप द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर फाइंडिंग्स। आपको याद है संदर्भ बाद में छपा कि बल्कि जो भी कोविड फोर्स में बैठता है उसको हमेशा के लिए सदैव गुप्त रखने का एक सीक्रेट अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोविड ग्रुप में बैठने का, ये है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की परिभाषा है सरकार की। 22 अप्रैल 2021 को माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने लिखा, देर इज नो रैशनल और जस्टिफिकेशन दैट अलाउज फॉर सच आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन ऑन वैक्सीन पॉलिसी, यानी जो अलग अलग दुभात है कीमतों पे, वितरण पे, क्वांटिटी पे इत्यादि। The allocation of vaccines must be transparent and equitable in line with the spirit of cooperative federalism. The Indian National Congress has already demanded a re-evaluation of this policy. Surely any reasonable person will agree on a uniform price for vaccination. वापिस 22 अप्रैल को लिखा सोनिया गांधी जी ने, accordingly with enhanced availability, categories eligible for vaccination should be expanded on the basis of need and exposure. Rather than just age, इत्यादि इत्यादि। मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं, ये चिट्ठियां पब्लिक डोमेन पे हैं, हमारे AICC से रिलीज हुई हैं, आपके पास है, प्रकाशित हुई हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख अगर है तो वो है कि जो सकारात्मक रूप से एक सौम्य व्यक्ति, एक संतुलित व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा, उसकी क्या मजाक उड़ाई गई। तीन तीन मंत्री, दो मंत्री वरिष्ठ और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, there was insult, there was taunt, there was scorn, there was contempt, there was sarcasm, but not for one minute did you think that had you not had these responses India would have benefited, the whole country would have suffered less, and that too in respect of a person like Dr. Manmohan Singh. I'm not going to read that letter. He made several pointed suggestions. As you know, he said, first publicize what are the firm orders. In fact, you find a striking similarity that a similar question is asked by the Supreme Court now. Second, indicate how this supply will be distributed across states on a transparent formula. After this letter and after you made fun of him, this is written on 18th April. Thereafter, you started having this committee for formulations of a formula, that too under Supreme Court supervision. Third, Dr. Manmohan Singh said, state should be given some flexibility, but fourth, the capacities in the private sector
by a public health emergency, the government of India must proactively support vaccine producers, etc., etc. I'm not reading the whole letter. I don't understand. Does it deserve, if nothing else, on elementary principles of propriety and convention, does a former prime minister deserve the kind of comment? And I'm not repeating the letter which is quoted. Mr. Jha sent you Mr. Harshvardhan's letter and many other responses. The urban development minister I read, the BJP president I read. Now, when the Supreme Court says, and I quote, the data on the percentage of population that has been vaccinated with one dose or with both doses as against eligible persons in the first three phases, please give this. Eligibility kitni hai, 100 ki? Aur vaccination kitna hai, 3%, 5%? Ye prashna hai mool. Jo hum nahi ab, jo humne bahut pehle kaha tha, ye prashna ab Uchchatam Nyayalaya ne spasht pucha hai. This shall include, the court continues, this shall include data pertaining to the percentage of rural population. Then they say further, the complete data on central government's purchases, history of all vaccines till date, etc. There is another letter of 22nd of April 2021 on drug policy related on drug availability by Sonia Gandhi. And it includes reference to this feared and dreaded black fungus, and now of course we have other colors, white fungus, etc. Again, she asks about the preparation for supply of such vital drugs. This is planning for the future. What crime is she committing except that she's the president of a opposition party? I want to ask this question. I want to say with great humility that the hallmark of being human is to accept that you can be fallible. There is no contempt in accepting and acknowledging fallibility. Indeed, such humility would have made you praiseworthy and you would have actually implemented ameliorative measures quickly. Ulta aapke ahankar aur zid ne Bharat ko itni kshati pahunchayi, har vyakti har aam aadmi ko. मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि मूल मुद्दा ये है कि आप पहेलियां तो बुझा सकते हैं, आप हमारी मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी और बहाने कम से कम जो हम प्रस्ताव रखें उनके ऊपर अमल तो करिए, एक्ट तो करिए. लगभग न्यूनतम 3 महीने का औसतन फर्क है इस आदेश के आने में, और यही सुझाव अलग अलग रूप में पहले आपके सामने प्रस्तुत करना कांग्रेस द्वारा. ये 2.5 महीने का खामियाजा कौन भुगतेगा? बात तो आप वही करेंगे घुमा फिरा के, लेकिन जो आपने इस दौरान 2-2.5 महीने में नुकसान पहुंचाया है उसका कौन भरपाई करेगा? इन अ नटशेल, द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज हैव बीन इनकोहेरेंट ऑन कोविड, आई एम टॉकिंग इन पर्टिकुलर, इनकोहेरेंट, इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव. Essentially, not in these words, this is what the Supreme Court has held: irrational and arbitrary. In a nutshell, the Supreme Court has directed the government to ensure coherence, transparency, and accountability in its COVID policies. We, of course, roundly and wholeheartedly welcome this comprehensive order. We welcome the interventionist proceedings, which will set the entire country on a path to immediate and urgent welfare. But that does not answer the crucial question. The fact that the Supreme Court is pushing with all its might, sitting during vacations, doesn't answer the core question. A, why did you not plan? B, why did you fail? But C is most important. Forget failure. We pointed out the failure at least 2 months ago, minimum. Why did you not act then? And by we, I don't mean only we. मैं सभी विपक्ष के दलों की बात कर रहा हूं. इस मुद्दे में मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार के राजनीतिक रंग में थोड़ा भी मतभेद रहा होगा, लेकिन आपने सभी को उसी रूप से देखा और इसलिए ये दुखद प्रसंग है कि आज ये भुगतान हमें करना पड़ रहा है. तो मैं वापस अंत करूंगा ये बात कह के कि अब भी ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, ये आपके अप्रोच की बात है.
अब भी अगर अपने अप्रोच को थोड़ा बदले, थोड़ी ह्यूमिलिटी लाएं, थोड़ी विनम्रता लाएं, थोड़ी आत्मसात करने की प्रक्रिया लाएं, तो इस देश की कोविड से संबंधित विशेष रूप से और बाकी आर्थिक नीतियां बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। हमारी मजाक कम उड़ाएं, और मजाक उड़ाएं तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे जो लिखित चीज़ें हैं उस पर कम से कम कुछ एक्ट करिए। थैंक यू। Thank you, sir. I invite questions from the friends. Please indicate your questions. हम प्रतीक्षारत हैं। चलिए आज तो अच्छा, they are all satisfied. Seems so, sir. And also sleepy. No. No. It's good sometimes to have a shorter question. I have the first question from Sanjay Mishra ji from Dainik Jagran. Sanjay. मेरा सवाल अभिषेक जी इस मुद्दे से अलग है। कांग्रेस की एक कमेटी है कि जो पांच राज्यों में पार्टी का परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उसने तीन दिन पहले रिपोर्ट अपनी दे दी है। फर्दर क्या आप पार्टी इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या प्लान कर रही है कि क्या वर्किंग कमेटी होगी या कैसे मंथन होगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है और रिपोर्ट का कुछ क्या शेयर कर सकते हैं पार्टी? देखिए आप इस बात की तो ऐसा करें कि हम इनका प्रश्न रोक लेते हैं, आखिर में लेते हैं, पहले सुओ मोटो पे सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर इनका पहला बार प्रश्न ले लेंगे। सुओ मोटो पे किन्हीं का सवाल हो तो बताएं। कोई बात नहीं। मैं पूछ लूं संदीप वर्तमान। संदीप संकटम वर्तमान से। हाँ पूछिए संदीप। हाँ सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे स्टेट का एमपी हैं, बंगाल का। अच्छा मेरा क्वेश्चन जो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाई कमांड, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी जो भी कहा है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वही कह रहे हैं। सो अल्टीमेटली कांग्रेस स्टैंड्स जो है वो चिन्हित हो गया, तो अभी कांग्रेस क्या करेंगे, सरकार को क्या पूछेंगे और सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस दोनों ही सेम ट्यून में बात कर रहे हैं? देखिए कुछ हद तक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर अपनी वार्ता में दे दिया है। इसके पहलू हमारे सुझावों से ज्यादा व्यापक है। इसके जो विशेष बिंदु जो मैं आपके सामने अंडरलाइन करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ, वो ये है। नंबर एक, जो हमने कहा और लिखा, जो हमारे कंटेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो क्या गलत थे या सही थे, इसका अवलोकन आप कर लीजिए। निश्चित रूप से उत्तर होगा सही थे, जबरदस्त सही थे, क्योंकि देश के सबसे बड़े न्यायालय ने, ऊंचे न्यायालय ने ये कहा है और बहुत व्यापक रूप से कहा है। नंबर दो पहलू है कि जब भी कोई चीज सही सिद्ध भी होती है एक निष्पक्ष बाहरी तत्व या संस्था द्वारा, जैसे इस बार हुई है, तो क्या आपको लगता नहीं है ये कि अगर आप सिर्फ इसीलिए मना कर रहे हैं कि हमारा एक अस्तित्व है विपक्ष के रूप से, और क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ हो सकता है। मैं इसलिए आपसे ज्यादा बड़े व्यापक मुद्दे उठा रहा हूं, सिर्फ कोरोना का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी अप्रोच की बात कर रहा हूं। सही, सिर्फ एक ही उत्तर हो सकता है कि भाई हम रिएक्ट करते हैं ये देख के नहीं कि सिंघवी क्या कह रहा है, लेकिन ये देखिए कि सिंघवी कहां से कह रहा है, किस पक्ष से कह रहा है। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या ये सही नीति है, क्या ये समझदारी है कोरोना के दौरान। नंबर तीन, जब आप कहते हैं कांग्रेस तो मैं शामिल करना चाहता हूं, करीब करीब 99% विपक्ष के गठन, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जिन थोड़े से बहुत आंशिक लोगों में हिम्मत रही, तो कई बीजेपी वाले भी जिनमें हिम्मत हुई, उत्तर प्रदेश में 2-3 हैं ऐसे, तो आपने एक व्यापकता देख के सिर्फ उनको एक ही रंग में ढाला कि वो आपकी पार्टी से नहीं है। नंबर चार, क्या इसका इतनी महंगा नहीं पड़ा आपको? ये बहुत महंगा देश को पड़ा, कम से कम 60 दिन का, 60 दिन कोरोना के वक्त मैं समझता हूँ, कम से कम 60 महीने तो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद 600 दिन के बराबर होता है। उतना विलंब का कौन खामियाजा उठा रहा है? आप खुद उठा रहे हैं, देश उठा रहा है, आम आदमी उठा रहा है। तो अपनी सोच बदलिए, अपनी नीति बदलिए, अपना अप्रोच बदलिए,
अपनी प्रतिद्वंदी हर चीज को एडवर्सेरियल मानना, झगड़ा मानना और हर चीज को राजनीति के लेंस से देखना, ये और उसका पहलू है। अगर कोई चिड़िया भी कहीं चहके तो वो राजनीति है, अगर पत्ता हिले तो राजनीति है। अरे भाई, कई चीजें राजनीति से परी भी होती है, मानवता की होती है, ये सोच आप में नहीं है। और यही सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। कोरोना तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। सही बात, इसीलिए तो ऑल पार्टी मीटिंग एक गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट हो रहा है। हमारे बोल बोल कर आपके कान सुन सुन के थक गए होंगे ऑल पार्टी मीटिंग की, तो मैं आप ही लोगों के सामने कितनी बार होंगे, उससे फायदा क्या बोलने से। जी सर, लिखित रूप में भी कहा। मैं अगला सवाल लेता हूँ। संजय जी, राकेश कपूर जी, क्या आपका सवाल भी शो मोटो पर है? वो मोटो पर नहीं है आज मेरा। रुक जाए, अभी रुक जाए, आता हूँ आपका, रुक जाए, म्यूट कर ले अपने आप को। मैं संजय जी का सवाल लेता हूँ। संजय, संजय जी ठीक है सर, क्या सवाल दोहराने की जरूरत है? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जहां तक पंजाब का सवाल है, आपको एक चीज के लिए तो हमको कम से कम बधाई देनी चाहिए, हिचक के भी हो तो भी, कि इतनी जल्दी एक समिति नहीं, इतनी जल्दी समिति के विचार विमर्श और एक कम से कम आंतरिक रूप से, गुप्त रूप से रिपोर्ट और परिणाम आए। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको बहुत गंभीर रूप से और बहुत व्यापक रूप से और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से एक एक्शन लिया गया है, और समय बहुत कम रहा है इसके लिए। नंबर दो, आप निश्चिंत रहें, ये चीजें हम प्रेस में बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत समन्वय के साथ, संतुलन के साथ, जो सबसे माकूल, प्रभावशाली और व्यापक परिणाम हो सकता है कांग्रेस के हित में, वही होगा, और वो बहुत जल्द से जल्द आपके सामने आएगा। इस वक्त जब रिपोर्ट दी गई है और बहुत कम समय में, मैं समझता हूँ, और कोविड के वक्त थोड़ा विलंब ज्यादा होता है, तो उसके विषय में बाहर प्रेस के सामने बात करना न उचित है, न कभी होता है। और हम नहीं चाहते कि जो चीज ज्यादा प्रभावशाली बनाने, ज्यादा एक पराक्रमी बनाने की प्रक्रिया है, वो इस प्रकार से डाइल्यूट हो जाए। मैं अगला सवाल लेता हूं सर, रवि सिसोदिया न्यूज नेशन से। सर, सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है मेहुल चौकसी को भारत लाने को लेकर, उस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड है, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? देखिए, अब जो हो रही है प्रयत्न, वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, हमारा कोई स्टैंड होने की आवश्यकता नहीं। अभी जो आप देख रहे हैं कानूनी प्रक्रियाएं अलग अलग देख रहे हैं, हमारे मूल प्रश्न पहले से उठाए हुए हैं, उनका उत्तर आपको आज 2-3-4 साल से नहीं मिला है, वो प्रश्न वैसे ही रहते हैं। आज आपकी प्रक्रिया इधर जाती है उधर जाती है, निर्णय आज शाम को है कल है, वो एक क्षणिक चीजें हैं। जो मूल सैद्धांतिक प्रश्न है, किस प्रकार से, कब, तो याद है वो दिसंबर, वो याद है वो समय जब वो निकले थे नीरव मोदी जी, किस प्रकार से निकले, क्यों निकले, चौकसी साहब पहले क्यों गए, दो बार आपने नोटिस नहीं किया शायद ये बात। यहां से करीब करीब 100% माना जाता है कि उनको मुखबिरों द्वारा पूरी तरफ से, सरकार के सत्तारूढ़ एलिमेंट्स द्वारा पहले से चेतावनी और सूचना दी गई, नहीं तो वो उस वक्त जब वो गए नहीं जा सके। नंबर तीन, जब दूसरी बार वो अमेरिका से एंटीगुआ गए, तब भी कुछ ही दिनों पहले, जिसके कुछ ही दिनों बाद आपने सरकार ने एक्सटेंडिशन की वहां पर अनुरोध किया, तो ये सब चीजें कब होती हैं, कैसे होती हैं? आज संजय मिश्रा जी जाते हैं और अगले 2 दिन बाद मैं उनके लिए अनुरोध करता हूँ कि आइए हमारे घर पे, आइए आप डिनर खाने के लिए। ये कैसे उनको मालूम पड़ जाता है कि मुझे जाना है अभी? ये हुआ अमेरिका से भी, ये हुआ एंटीगुआ से भी, और ये यहां से भी हुआ, दोनों केसेस। ये जो प्रश्न है ये ज्यादा महत्वपूर्ण, इनका उत्तर आपको ना मिला है ना मिलने वाला है। अब जो है, जो आपने क्षतियां रही, जो आपने गैप्स छोड़ दिए, उसका अब आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सफल हों, लेकिन जो पुरानी बातें उनको भुला या झुटला कैसे दिया जाए। अगला सवाल लेता हूं सर, प्रशांत आपका सवाल कवर हो गया, जवाब मिल गया आपके सवाल का। नो सर, नो सर, कैन आई आस्क नाउ? जी प्लीज गो अहेड सर। गुड आफ्टरनून सिंघवी सर, आई थिंक द क्वेश्चन दैट वाज एड्रेस्ड टू यू, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज एड्रेस्ड टू यू वाज नॉट स्पेसिफिकली ऑफ पंजाब, यू नो इट्स बेसिकली ऑफ द असेंबली इलेक्शंस, द रिपोर्ट ऑफ व्हिच हैज नाउ बीन सबमिटेड बाय अ कमिटी दैट वाज फॉर्मड बाय द AICC।
Now, in that report, various things have come out, how alliances went wrong, how campaign strategy went wrong. Several other things have been, you know, talked about in that communal alliances, especially in terms of Assam. So my question is, what exactly has happened after that report, sir? How is the party going to see it? You are talking of the so-called Chavan report, because I understood. Yeah. Earlier, I was thinking of the Punjab issue. Yes, sir. Exactly. So on the Chavan issue, it is also an exercise. That's a separate committee, but the same point applies there also. It's also an exercise done in a very short while. For a exercise of this magnitude, it's done seriously, pointedly. It has come. Now it will be evaluated at least two levels. First, threadbare, micro, and then on that basis, we will have sessions where we'll analyze. And then we'll follow remedial measures, very specific. We are bowed down. We are not at all satisfied with our performance. We are very self-critical. But unfortunately, there's nothing we can do except take some time and go on this exercise. You've seen the first part of that exercise very comprehensively done. Now, the next part is analysis, and the third part is implementation. I can only assure you with all the force at my command that all these three, two remaining, are happening and going to happen very swiftly, because we are not taking any delay as acceptable on such issues. Okay, sir. Next question is from Premangshu Ji from Anand Bazar Patrika. Premangshu? Yes, sir. My question is on the current confrontation going on between the West Bengal government on the chief secretary issue. The way he was called to Delhi in the last day service, and then he has given a show cause notice under the DSM Management Act. And Sindhi saying fire can be launched against him. So, what is your take on that? Can I get these issues? Yes, I can speak not only in this capacity, but also as a West Bengal MP with some locus. And thirdly, as a lawyer also. I've said so openly and I'm repeating it. One, it is unprecedented. Two, I don't know in 75 years, and I'll be like to be educated. I tweeted this on the same day, weeks ago. I'd like to be educated by somebody more educated than me on this. Which chief secretary in 75 years has been called to the central government on the last day of his retirement? Number three, it therefore reeks of vendetta. Reeks. And let us not mince words. Four, it shows how this central government is prepared to completely leave all conventions. Because admittedly, I repeat, admittedly, there is not even consultation attempted under Rule 6. Before this gentleman is called, so to say, to the central government. Admittedly, repeat. Number five, the opposite of consultation is happening. It is a bizarre case. I call it unprecedented, extraordinary, and bizarre. The opposite is happening because 2 weeks before that, he is given an extension to remain in West Bengal, and the extension is given in writing by the central government, no less. So what they have done is the opposite. There could have been no consultation required by Rule 6. Then seventh point, having found caught on the wrong foot, the central government was caught on the wrong foot, they realized they had not done consultation. So 2 days later, again without consultation, they write a letter saying there is a disagreement between the two and we resolve it like this. Using a disagreement clause. Arey bhai, disagreement arises when you first have consultation. After consultation, the West Bengal government disagrees and then you exercise your final power. Central government of India, unfortunately, in the case of Bengal, is proceeding on whims, on caprice, on personal animosity, on vendetta, on clearly not letting a democratic government function, on smarting under the defeat which they've roundly suffered, smarting badly, being ungracious and ungraceful losers, and then throwing to the winds all caution, all conventions, all rules, and of course, totally illegal and unconstitutional. And I would say from the highest office in the state, which is a constitutional office, down to the lowest offices of the IAS and the IPS,
the central government is playing dirty, dirty, and dirty. Sir, if you can say something on this using Disaster Management Act, how far it is feasible there? Which one? I can't hear you. Disaster Management Act, they have issued a show cause notice using the Disaster Management Act. It's ridiculous. The man goes under the Disaster Management Act. You know, Disaster Management Act will also go to State Disaster Management Authority. Under that authority, the CM is the president of the authority. Under that and under written directions, he is accompanying the CM for disaster management. All the districts' name you heard were for disaster management. Then they divert to come to the PM's meeting also in disaster management. They meet him and leave. He is now show caused for violating Disaster Management Act. I mean, does anybody have any common sense or legal sense before they draft these things? I might sound that I'm in the opposition, but any right-thinking person will say that you can say that you did not wait long enough, you should have waited long enough, although the explanation of the CM is on record, they waited long enough, they met, they sorted leave and left. But that's a different matter. You can't say that the man is defying the Disaster Management Act and the poor fellow is writing in the letter which I read in the press that he has suffered two bereavements in the family the previous week. I'm very sorry. Two bereavements of his own sister's and his brother's family, a week and 2 weeks in advance. Suppose he had taken leave. Would you have charge sheeted him? So because he did not take leave and was diligent and sincere, you are saying all this. He was entitled to take leave. It happened hardly 10 days before this. I think this is most terrible, unacceptable vendetta. Yes, sir. There's great outrage there locally. In fact, one of the newspapers have compared his anger, Prime Minister's anger, with Durvasa's anger. I'll move to the next one. Rakesh Kapoorji, please come in. जी सिंघवी साहब, गुड इवनिंग. मेरा सवाल आज सुओ मोटे पर नहीं है, ये है कि विनोद दुआ के खिलाफ सेडिज्म के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज वो जो याचिका डाली थी हिमाचल प्रदेश के किसी नेता ने, वो क्वेश कर दी. और दो तीन दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा था कि नाउ द टाइम इज कम दैट वी शुड एक्सप्लेन द सेडिज्म इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव. तो एक विधिवेत्ता के नाते मैं आपकी इस पे विस्तार से प्रतिक्रिया चाहता हूं. देखिए राकेश जी, पहली बात तो स्वागत करता हूं मैं और कांग्रेस पार्टी इस निर्णय का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा व्यापक ये मुद्दा. और इसलिए नहीं कि आप लोग सब जानते हैं, आप लोग भी सब पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार का नाम है इसमें भी, ये बात ही सिर्फ नहीं है. विनोद दुआ, हाँ, तो उसमें सिर्फ उस मुद्दे से, उस पहलू से नहीं कह रहा हूं. ये इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि बच्चा बच्चा, ये तो पहले कभी विकृत हुआ ही नहीं, ये विकृतता और ये जो एक अजीबोगरीब डिस्टॉर्शन आया है हमारी व्यवहार में, हमारी बातचीत में, ये सिर्फ 2014 के बाद आया है. केदार का निर्णय 1962 से हमको ये बताता है कि जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, मारधाड़, कुछ चीज फायरिंग, कुछ गन्स रखना, कोई ऐसी चीज करना, तब तक सिर्फ सोच और शब्दों द्वारा करीब करीब 99.99 बार सेडिशन, देशद्रोह हो ही नहीं सकता. अगर मैं घर पे बैठ के किताबें पढ़ता हूं देशद्रोह की, तो भी नहीं हो सकता. मैं नहीं मानता हूं कि सही है, प्रणब झा मानता हूं सही है, तीसरा आदमी मानता हूं सही नहीं है. वो टेस्ट नहीं है न्यायपालिका का, वो देशद्रोह नहीं होता यद्यपि आप उससे सहमत हो या नहीं हो. ये पहली बार देखा है हमने पिछले 7-8 वर्षों में कि हर बार जो असहमति है, जो इंटॉलरेंस आपको किसी चीज से है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप समझिए कि आप कहां तक पहुंच गए. आप एक पेशेंट से जो अपने पिताश्री की मृत्यु के ऊपर रोना धोना करके कुछ कहता है, वहां से लेके कई प्रदेशों में कोई भी चीज बोल देना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विरोध में, और वहां से लेके पत्रकारों के विषय में दुआ का केस या और केसेस, ये कितना आपने इसको बना दिया है एक जबरदस्त औजार डराने का, धमकाने का. सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, विजुअल मीडिया हो, ये कुछ भी नहीं है. ये ऐसा कोई पावर है ही नहीं, ये तो आपने बनाया है, खड़ा किया, और वो आंकड़े प्रकाशित हैं.
जितने सेडिशन के केसेस 2014 के बाद हुए प्रतिवर्ष और पूरे टोटली वो कभी पिछले 20 सालों में नहीं हुए हैं, और प्रतिवर्ष की आंकड़े में एक साल में नहीं हुए 75 वर्ष इससे पहले 2014 के पहले। जी सर, नहीं, सिंधु साहब मैं इस पर जरा ये चाहता था रोशनी, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के नाते इस पर रोशनी डालें कि जो ये सैडिज्म का जो मैंने बताया ना आपको केदार का निर्णय है 2019 जी जो वो 1960s में जो केदारनाथ सिंह वाला मामला है। अंग्रेजी में सेडिशन का टेस्ट बड़ा सरल है जी, ऑल सेडिशियस थॉट प्रोसेस मस्ट बी अकम्पनीड बाय कॉन्क्रीट एक्टिविटी। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के करीब करीब अंदाजन से अनुवाद करके बोल रहा हूँ, मस्ट बी अकम्पनीड बाय ओवर्ट एक्ट्स विच इन्वॉल्व द ओवरथ्रो ऑफ एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। नाउ ओवर्ट एक्ट्स एस्टेब्लिशिंग द ओवरथ्रो ऑफ एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट इज सर्टेनली नॉट व्हाट पीपल आर डूइंग विद दिस एक्सप्रेस डिसेंट। व्हाट डिड विनोद दुआ डू? व्हाट डिड ही डू? So therefore, you see, it is the more higher you take it to constitutional issues, it becomes a big thing and nothing. It's like an empty pack of cards. It's an invention of the BJP government to control mind, to prevent people thinking and speaking. That's all there is to it. Pack of cards. That's right. Kapoor sir, mute yourself. On that note, sir, you are right when you say that. हम पिछले जो कुछ उदाहरण हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि नमक रोटी अगर खिलाया जा रहा है आंगनबाड़ियों में, उसके ऊपर पत्रकारिता करने से पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। और जिस आंकड़े की बात कर रहे थे सर, वो 96% केसेस जो है इस समय लंबित अदालतों में सेडिशन के, वो 2014 के बाद भाजपा की सरकार आने के बाद हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पत्रकारिता जागृत होगी और निष्पक्षता से अपनी बात रखेगी, सरकारों के दबाव में नहीं आएगी, और न्यायालय इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Sir, thank you very much for taking time, and thank you everyone. Thank you, sir. I hope you sending you press release very soon. Thank you, everyone.